कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, आज बताएंगे ईवी केयर सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सिरप को जो है काफी अच्छे से हम आपको डिटेल से समझाएंगे। इसके बारे में एक एक चीज बताएंगे कि क्या है सिरप, कितने रुपए का मिलता है, कैसे इसको पीना होता है, कहाँ कहाँ इसके फायदे होते हैं, सब कुछ बताएंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इस सिरप के बारे में आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए बात करते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इसकी पैकिंग दिखा देते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में ईवी केयर सिरप, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस तरीके की देखने में होती है ईवी केयर सिरप। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके साइड में भी देख सकते हैं, साइड में हम शो कर देंगे। ये जो सिरप है, ये हिमालया कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है, बनाई गई है, जो कि काफी समय से चली आ रही कंपनी है। काफी पुराने प्रोडक्ट उसके हो गए, काफी लॉन्ग टाइम से मतलब बना रही है वो, लंबे टाइम से। तो ये 200 ml की सिरप आती है, जैसे कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। 200 ml की सिरप की कीमत होती है, प्राइस होती है 135 rupees। 135 rupees में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम वीडियो की साइड में शो भी कर देंगे, आप रोक कर पढ़ भी सकते हैं और हम बता भी देते हैं आपको। इसमें गंडा पुष्पा होता है, दशमोला होता है, लोधरा होता है और गुड़ुची होता है, काका मच्छी होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें पुनर्नावा होता है, शतावरी होता है, और इसमें जो है नारिकेला होता है, कुमारी होता है, चंदन होता है, बबूला होता है, मुस्ता होता है, इसके अलावा अनंतमोला होता है, और भी कई काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप वीडियो को साइड में हम शो कर देंगे, वीडियो को पॉज करके रोक कर पढ़ सकते हैं। अब जो है इस सिरप के फायदे की बात करते हैं कि आखिरकार इस सिरप का फायदा कहाँ कहाँ होता है। इसका जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, इस सिरप का जो यूज होता है वो होता है महिलाओं के अंदर। महिलाओं में जब उनके मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान जो उनको हैवी ब्लीडिंग होती है, हैवी पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, या फिर उनके पीरियड जो उनका मासिक धर्म का जो चक्र है वो महीने टू महीने नहीं आता, मतलब या तो महीने से पहला आ जाता है या फिर कई कई महीने तक नहीं आता है, तो उनके हार्मोन्स इम्बेलेंस जो हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल में ये सिरप लाई जाती है। ये भी केयर सिरप महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के इस्तेमाल में ली जाती है। तो उनके अगर हार्मोन्स इम्बेलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, तब भी इस सिरप को लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। खास करके ये सिरप महिलाओं के लिए ही यूज में लिया जाता है। अब इसके डोज की बात करते हैं कि किस तरीके से इसको लेना होता है। तो 10 से 15 ml दिन में 2 बार, या फिर ज्यादा दिक्कत है आपको तो दिन में 3 बार लिया जा सकता है। और इसको ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक लें, 3 महीने से ज्यादा ना लें, 2-2.5 महीने में आपको काफी अच्छा रिलीफ मिल जाता है दोस्तों। तो साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट इसका आता नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक सिरप है तो कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं आता है। देसी दवाएं इसके अंदर डली हुई हैं, तो देसी दवाओं के साइड इफेक्ट ना के बराबर ही होते हैं। अब जो दोस्तों, ये हमने आपको ईवी केयर सिरप के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।